मिट्टी डाल दो उसके ऊपर, झालर से पानी देना है नहीं तो माइक्रो स्प्रिंकलर शावर से पानी दो, और दूसरे पाइप से गलती से भी मत दो, पाइप से नहीं देना। इनकेस अगर लगता है कि इसको चिड़ियां आके खा जा रही, क्योंकि हमने कोई केमिकल लगाए नहीं है, इंसेक्टिसाइड कुछ इसको यूज नहीं किया था, इसको डाला था नहीं, डायरेक्ट यहाँ तो बेग खोला, हाँ यही पे है, तो उसको रात में डाल दिए, सुबह में निकाल के आप यूज कर लिए, रात में 6-7 घंटे उसका रहेगा। और दूसरी बात है बाकी का, उसको जीवामृत करके बेड को सही करा के, जैसा बताया ना वैसा बेड को सही करा के भले 2 दिन के बाद डालो चलेगा, समझा? ये महीना नहीं छोड़ना चाहिए, बस इतना ख्याल करो। इसमें अब अगर डर है, अगर इनके चिड़िया खाती है, पूरा बीज खा गई चिड़िया ने, गिलेरिया आके खा गई चिड़िया, तो क्या करोगे? तो क्या है, बगाली डाल देंगे ऊपर, ये घास डाल दो ना, उठा उठा लेकिन घास वो मत डालना, नहीं तो घास का बीज उगेगा और पत्ती पत्ती ये जो परस की हो गई कोई वो हो गई ऐसी पत्ती, तुराटी जैसा जो होता है, तुराटी जैसा, हाँ उस टाइप ऐसा बिछा दिए उसके ऊपर, हाँ वो बांस की नहीं है क्या? हाँ वो बारीक बारीक, ये एकदम बारीक बारीक है, तुम घास का घास का बीज उगेगा, मैं अभी वहाँ जाके बताऊंगा, जो अपन जाएंगे संतरा के प्लॉट में, कब करना है जब हमको लगता है कि हमने पानी डाले, पानी डाल के चले गए, उसके बाद चिड़िया के इसमें निशान दिख रहे, चिड़िया खाएंगी, चुपके खा के गई, खाएंगी चिड़िया खाएंगी, तो वो है। दूसरा ये है कि इतना ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो अपनी जो मुर्गा जाली आती आती ना, मुर्गा जाली ये बांध काम वाले जो करते हैं यूज, वो जाली वहाँ फूटी है, यहाँ फूटी है, यहाँ से वहाँ तक लेके रस्सी से तार से बांध दिए, वो बिछा दिए जनरेट होने तक, वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा लेना पड़ता है, ऊपर लेना पड़ता है।